भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से भारतीय टीम और भारत के करोड़ों फैंस के दिल को टूटने से बचाया और एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम इंडिया को संकट से निकाला और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया सेमीफाइनल के मुकाबले में। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल खेला जा रहा है, बारिश आ रही है, बारिश जा रही है, बावजूद इसके कप्तान रोहित शर्मा शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को संकट से निकाल आए हैं। क्योंकि बता दें कि शुरुआत में विराट कोहली और ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद रोहित ने सूर्यकुमार यादव के साथ शानदार साझेदारी करी, अपना अर्धशतक पूरा किया। बैक टू बैक उनका यह अर्धशतक है, इस प्रतियोगिता में उनका तीसरा अर्धशतक है। 39 गेंदों में शानदार 57 रनों की पारी खेली रोहित शर्मा ने, उन्होंने 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। हालांकि इस पारी को और बड़ा करते तो टीम इंडिया थोड़ा बेहतर महसूस करती, पर जितना भी किया वो शायद काफी था क्योंकि जो पिच है वो बल्लेबाजों के अनुकूल अब रह नहीं गई है। यहां पर रोहित शर्मा ने बताया कि क्यों उनको इतना महत्वपूर्ण बल्लेबाज माना जाता है। जब दूसरे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे वहां पर उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और अटैकिंग क्रिकेट खेला, इसीलिए टीम इंडिया जो है डीएलएस मेथड को ध्यान में रखते हुए भी आगे चल रही है इंग्लैंड से। और सेमीफाइनल के मुकाबले में जरूरत भी थी कि कोई शुरुआत से लेकर अंत तक रन बनाए, लगभग लास्ट तक खेले, हालांकि आउट हो गए। एक बेहतरीन गेंद थी वो आदिल राशिद की, वो विकेट से भी मदद मिली, उनको गेंद बहुत नीचे रही थी वरना शायद ये भी गेंद स्टैंड में जाती। और रोहित शर्मा ने तो सूर्यकुमार यादव के साथ एंजॉयमेंट करते हुए बल्लेबाजी की। लियम लिविंग स्टोन के ओवर में रोहित शर्मा ने तो सूर्यकुमार यादव से कहा कि अगर ये खिलाड़ी गेंद मुझे ऊपर देगा तो मैं छक्का मार दूंगा, और वो करके भी दिखाया। तो रोहित शर्मा कितने मस्त मौला व्यक्ति हैं और कितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो हम सबको पता है, और शायद अगर वो नहीं रहते तो आज टीम इंडिया जो है मुश्किल में पड़ती हुई नजर आती। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।